हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं निशा शर्मा। इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ में आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी विट्स। यू नो हर एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी विट्स से क्वेश्चन आता है। गाइज, मैं एक बात कहूँगी, प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि ये शॉर्ट जरूर होती हैं बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड। हर क्वेश्चन इनमें कवर होता है। जो भी मैं करवाऊँगी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी विट्स, देखो यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। विट्स का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। इट मीन्स यूनिवर्सिटी विट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स। ये वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स का ग्रुप था जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए थे, तो इनको हमने क्या बोला है, यूनिवर्सिटी विट्स। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जो ड्रामा डेवलप हुआ है, सबसे पहली बार इन लोगों ने, जो मैं कहूँ, ड्रामा को डेवलप किया है। तो गाइज, जो ड्रामा डेवलप हुआ है वो किस एज में डेवलप हुआ है, टू डार डेंसिटी। आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो जब एजिस को कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारी डेंसिटी है, टू डार थी, होमन होनर थी, ये सब डेंसिटी आती है। तो ड्रामा जो है डेवलप हुआ है किस एज में, टू डार एज में। तो ड्रामा यूनिवर्सिटी विट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ ड्रामास। इससे पहले ड्रामा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं थे। आपको पता है फोर टाइप के प्लेस थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, मिराकल प्लेस, मोरल्टी प्लेस, इंटरल्यूड्स एंड मिस्ट्री प्लेस। अब देखो, मिराकल प्लेस में क्या था, बाइबिल और सेंट्स की स्टोरी थी, मींस जो बाइबिल हैं, जो बड़े बड़े सेंट हैं, उनकी स्टोरी थी। मोरल्टी में था क्या था, क्रिश्चियन लाइफ को जो है डेडिकेटेड थी, क्रिश्चियन लाइफ मोरल्टी प्लेस में। इंटरल्यूड्स इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट ड्रामा, जो बड़े ड्रामा के बीच एक छोटा सा पार्ट होता था, इंटरल्यूड कहलाता था। एंड मिस्ट्री प्ले जो है बेस था सेंट्स की लाइफ पे। देखो याद कैसे करेंगे, मिराकल, अब ये बताओ मिराकल क्या होता है, चमत्कार। और चमत्कार कौन परफॉर्म करते हैं, साधु संत ही तो करते हैं। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि मिराकल प्लेस में क्या था, बाइबिल और सेंट की कहानी। अब मोरल्टी का मतलब क्या होता है, नैतिकता। और आपको पता है क्रिश्चियन लाइफ, हम ऐसे याद करेंगे, जीजस क्राइस्ट की लाइफ तो बड़ी मोरल थी, तो क्रिश्चियन लाइफ जो वाइसिस और वर्च्यूज थे, जो ह्यूमनिटी थी, उसको प्रेजेंट किया हुआ था किस प्ले में, मोरल्टी प्लेस में। अब इंटरल्यूड हम ऐसे याद कर लेंगे, फिल्म में इंटरवल होती है ना, तो छोटा सा ड्रामा, शॉर्ट पार्ट। और मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होते हैं, रहस्य। और रहस्य तो किस में होते हैं भाई, इनमें ही होते हैं, मतलब साधु संत, बाइबिल्स वगैरह में। तो जो सेंट्स की लाइफ है वो यूनिक होती है, तो उनमें मिस्ट्रीज होती हैं, हम ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद जो यूनिवर्सिटी विट्स आते हैं, तो ये सही मायने में प्ले को ओपन करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो यूनिवर्सिटी विट एक ग्रुप होता है स्कॉलर्स का, वेल एजुकेटेड जो स्कॉलर्स होते हैं उनका ग्रुप क्या, कौन सा होता है गाइज, यूनिवर्सिटी विट्स। ये 18th सेंचुरी के जो है लास्ट में होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 18th सेंचुरी के लास्ट में कौन होते हैं गाइस, यूनिवर्सिटी विट्स। अब यूनिवर्सिटी विट्स ने, आपको पता है, जो विलियम शेक्सपियर है, जो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है अपना, उसके लिए भी प्लॉट्स तैयार किया, तो वो किसने किया है, यूनिवर्सिटी विट्स ने किया है। और इनमें जो सबसे फेमस था वो कौन था, क्रिस्टोफर मार्लो। गाइज, जो भी हाईलाइटेड मैंने दिखाया हुआ है वही सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, मैं पेन यूज़ नहीं कर रही, तो हाईलाइटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। अब यूनिवर्सिटी विट्स कितने हैं, यूनिवर्सिटी विट्स हैं 7, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज फीले, थॉमस लोस, थॉमस नाशे, थॉमस किड एंड जॉन लिली। देखो क्रिस्टोफर मार्लो का क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, टाइमिंग है 1564 से 1593, सेम ईयर में बॉर्न हुआ था भाई ये शेक्सपियर। यू नो वेल, शेक्सपियर इज आल्सो बॉर्न 1564, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कौन शेक्सपियर के साथ सेम ईयर में बॉर्न हुआ है, तो कौन, क्रिस्टोफर मार्लो। और ये यंगेस्ट ट्रेजिडी राइटर था, आपको ध्यान रखना है, इसने एक भी कॉमेडी नहीं लिखी है, ही वॉज द यंगेस्ट ट्रेजिडी राइटर, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। और ये कहा जाता है यदि ये बहुत दिन तक जिंदा रहता तो शायद ये ऐसा इंसान था जो शेक्सपियर को बीट कर सकता था, मतलब शेक्सपियर से ज़्यादा पॉपुलरिटी इसको मिल सकती थी, बट ये बहुत कम इनका लाइफ स्पैन रहा है, 1564-1593, तभी यंगेस्ट ट्रेजिडी राइटर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट गाइज, रॉबर्ट ग्रीन। अब रॉबर्ट ग्रीन ने ऑल कॉमेडीज़ लिखी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमेडीज़ किसने लिखी है, रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी विट्स में वो कौन सा है जिसने सभी कॉमेडीज़ लिखी हैं, तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट है जॉर्ज फीले, लाइफ स्पैन है इसका 1556-1597। थॉमस लोजे 1558-1625। थॉमस नाशे, ये फर्स्ट नोवेल रिटर्न होने का भी क्रेडिट इनको दिया जाता है। थॉमस किड, देखो गाइस, थॉमस किड का एक क्वेश्चन याद रखना कि हु डिडंट रीड इन यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी विट्स में कौन शामिल नहीं है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
तो आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी विट्स में कौन शामिल नहीं था, थॉमस किड। तो ऐसे याद करना, देखो इसके नाम के पीछे क्या है, किड, किड बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे क्या करेंगे भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ के, बच्चे तो स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो ऐसे याद करना थॉमस किड यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल नहीं था। फिर था जॉन लिली, जॉन लिली ने 8 कॉमेडीज़ लिखी थी, ध्यान रखना इसने 8 कॉमेडीज़ लिखी थी जिसमें से 5 काफ़ी पॉपुलर रही हैं, तो 8 कॉमेडीज़ लिखने का क्रेडिट किसको जाता है, थॉमस किड को जाता है। अब इनका डिटेल करते हैं हम, सबसे पहले हैं जॉन लिली, जॉन लिली ने 8 प्लेज लिखे हैं जिसमें से 5 फेमस हुए हैं, कंपेस्ट, एडवार्डियन, फेमस इज कंपेस्ट, एंडीमोनियम, ग्लेंटिया, मीडा एंड वुमेन इन मून, कंपेस्ट, एंडीमोनियम, ग्लेंटिया, मीडा एंड वुमेन इन मून, ये 5 जो हैं इसके फेमस प्ले रहे हैं। इसने जॉन लिली ने अपने प्लेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एलेग्रिकल, मिथिकल, रियलिस्टिक एंड हिस्टोरिकल, मतलब लेस हिस्टोरिकल थे बट एलेग्रिकल थे एंड रियलिस्टिक जो है इसके प्लेस थे। नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन का आपको ये याद रखना है, एक तो सिर्फ और सिर्फ इसने कॉमेडीज़ लिखी हैं, ठीक है, 5 प्लेज हैं जो इसके फेमस हैं, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ एल्फोनिस किंग्स एंड एलगन्स 1587, ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसने ज्वाइंटली लिखा था थॉमस लोजे के साथ, तो क्वेश्चन आ सकता है रॉबर्ट ग्रीन का कौन सा वर्क है जो लोजे के साथ ज्वाइंटली लिखा है, तो ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड, ये याद रखना आपको, द हॉनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड ब्रिगंडी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसका मास्टरपीस था, एलिजाबेथन लाइफ के ऊपर था, इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ एलिजाबेथ, तो ध्यान रखना द हॉनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड एफ बंगाइज, तो ये एलिजाबेथन लाइफ पे डिपेंड था, द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्रूशिए एंड द नेक्स्ट स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर्थ। अब इसका एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन आपको याद रखना गाइज, इसका एक रोमांटिक कॉमेडी थी पोंडस्ट्रो, तो आपको ये पोंडस्ट्रो याद रखनी है, और इसका सब टाइटल क्या था, ट्रिम्फट ऑफ ट्रिंस, तो पोंडस्ट्रो सब टाइटल ट्रिम्फट ऑफ ट्रिंस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेक्सपियर ने अपना जो रोमांटिक कॉमेडी थी विंटर्स टेल, तो शेक्सपियर ने विंटर्स टेल का प्लॉट कहाँ से लिया था, पोंडस्ट्रो से, और आपको पता है इसीलिए इसने शेक्सपियर को क्या कहा था, अपसर्ट क्रो स्टार्टिंग विद आवर फीदर्स, ही इज़ एन अपसर्ट क्रो स्टार्ट फ्लाइंग विद आवर फीदर्स, तो ये कोटेशन तो इतनी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने शेक्सपियर को अपसर्ट क्रो कहा था जो स्टार्ट विद आवर फीदर्स, तो किसने कहा था गाइज, रॉबर्ट ग्रीन, एंड वाई, क्योंकि इसने पूरा का पूरा पोंडस्ट्रो का प्लॉट अपने विंटर्स टेल में डाल दिया था, डेट्स वाई। एंड द नेक्स्ट जॉर्ज पीले, तो जॉर्ज पीले के भी 5 वर्क फेमस हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ये एक पेस्टोरल प्ले था इनका, द बैटल ऑफ एलेक्जार जो रोमांटिक ट्रेजिडी थी, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, ये एक हिस्ट्री पे डिपेंड था, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, ये हिस्टोरिकल जो है प्ले था, द लव ऑफ किंग डेविड एंड द फेयर्स बैथेहेबा, द लव एंड द किंग डेविड एंड फेयर बैथेहेबा 1599 में, ये एक इसका मिस्ट्री जो बिब्लिकल थीम पे बेस्ड प्ले था, एंड द ओल्ड वाइव्स टेल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना, ये इसका रोमांटिक स्टायर था, करंट जो ड्रामेटिक टेस्ट को लेके, मतलब करंट ड्रामेटिक टेस्ट इससे मैच होते हैं, तो मेन आपको जॉर्ज पीले का याद रखना है द ओल्ड वाइव्स टेल, और शेक्सपियर ने ओल्ड वाइव टेल से कहीं ना कहीं इंस्पायर होके कॉमिक ट्रेजिडी भी जो है शेक्सपियर ने इसी से इंस्पायर होके लिखी थी, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है थॉमस किड, थॉमस किड यू नो वेल इज़ अ मोस्ट फेमस वर्क द स्पेनिश ट्रेजिडी, ये फर्स्ट ड्रामा था ब्लैंक वर्स में, तो क्वेश्चन ये भी याद रखना ब्लैंक वर्स में फर्स्ट ड्रामा कौन सा था, द स्पेनिश ट्रेजिडी, ये कहीं ना कहीं सिनिकन ट्रेजिडी पे बेस्ड थी, मतलब सिनिकन ट्रेजिडी में क्या होता था, ब्लड, गोस, मर्डर सब दिखाया जाता था, वो सब इसमें भी दिखाया जाता था, और ये 11 टाइम गाइस प्रिंट हुई थी, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्क है जो 11 टाइम प्रिंट हुआ था, तो 11 टाइम्स जो प्रिंट हुआ था वो कौन सा वर्क था, द स्पेनिश ट्रेजिडी। नेक्स्ट थॉमस किड का है कोरेनेलिया, सिर्फ नेम याद रखना, फेमस को याद रखना, सोलीमन एंड द प्रेसेडा एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जेरोनीमिया, जेरोनीमो, तो ये चीज़ आप इसके जो है वर्क याद रखना। नेक्स्ट है थॉमस नाशे,
थॉमस नैश का आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मार्लो का एक प्ले था डिडो, ये अनफिनिश रह जाता है, मतलब मार्लो की डेथ हो जाती है, तो इस प्ले को थॉमस नैश ने पूरा किया था। तो आपको ध्यान रखना है थॉमस नैश ने मार्लो के किस प्ले को पूरा किया था, डिडो को, या क्वेश्चन ये आएगा डिडो को किसने पूरा किया था, थॉमस नैश। नेक्स्ट है समर्स लास्ट विल बी ट्रीटमेंट, ये बस नेम याद रखना है इसका। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल, ये पक्का याद रखना, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल, एंड इसका सब टाइटल था द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक है गाइज, ये याद रखना, क्योंकि ये पिकारस्कू नावल जो नॉवल्स थे उसमें प्रोज टेल में कहीं ना कहीं इसको पहला नॉवल माना जाता है। तो अनफॉर्चुनेट ट्रैवल द फर्स्ट पिकारस्कू नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर, डेट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट इज थॉमस लॉज, इसका बहुत डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है इसने कोलैबोरेटेड वर्क लिखा था शेक्सपियर का, हेनरी जो सिक्स था, हेनरी सिक्स, वो शेक्सपियर के साथ हेल्प की थी किसने, थॉमस लोजे ने, कोलैबोरेटेड वर्क माना जाता है ये शेक्सपियर और इसका। फिर था इसका द वाउंड्स ऑफ सिविल वार, एंड द नेक्स्ट रोजालिंड, रोजालिंड आपको याद रखना है, रोजालिंड का क्यों इंपॉर्टेंट है रोजालिंड, क्योंकि इससे शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट का जो है प्लॉट बोरो किया था, एंड एज यू लाइक इट का सब टाइटल है व्हाट यू विल। तो रोजालिंड का प्लॉट एज यू लाइक इट से, मतलब सॉरी, एज यू लाइक इट का प्लॉट रोजालिंड से बोरो किया था थॉमस लोजे के, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये प्ले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये थे गाइज यूनिवर्सिटी विट्स, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। यदि आपको मेरी इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे फ्रेंकली बताओ, मैं बहुत डेप्थ में चौसर को करवा दूँगी और आपको बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इंग्लिश लिटरेचर के सभी वर्क्स करवा दूँगी। बट प्लीज़ आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन क्लिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ गाइस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।